नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे, मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कोयला श्रमिकों की हड़ताल खत्म, सरकार ने दिया आश्वासन, कोल इंडिया का नहीं होगा निजीकरण, कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए समिति का गठन। प्रवासी भारतीयों को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेक इन इंडिया में भागीदार बनने की कर सकते हैं अपील। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी, 12,000 पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राजपक्षे और सिरिसेना के बीच मुकाबला। पेरिस हमले के एक आरोपी ने किया आत्मसमर्पण, मैगजीन के ऑफिस में हुए हमले में संपादक समेत 12 की मौत। सिडनी टेस्ट में भारत की खराब शुरुआत, 97 रन पर गिरे 2 विकेट, पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 7 विकेट पर 572 रन। कोल श्रमिकों ने सरकार से कोल इंडिया लिमिटेड के निजीकरण नहीं करने का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल कल देर रात खत्म कर दी। कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोल इंडिया का निजीकरण करने की कोई योजना नहीं है, साथ ही श्रमिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोयला मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अगुवाई में एक समिति बनाई गई है जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार के साथ 6 घंटे तक चली बैठक के बाद श्रमिक संगठनों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। श्रमिक संगठनों के साथ बैठक में कोयला और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिया कि सरकार की कोयला कंपनियों के निजीकरण की कोई योजना नहीं है और कोल इंडिया के कर्मचारियों की हितों की रक्षा की जाएगी। बैठक के बाद एटक नेता लखन लाल महतो ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। चिंता ये थी कि ये क्या एक एक कदम करके कोल इंडिया को प्राइवेटाइज करने का तो नहीं मार्ग बनाया जा रहा है, और मैंने आश्वस्त किया है कि कोल इंडिया को प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है और उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पूरे रूप से सरकारी रहेगा। कोयला मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर श्रमिकों को पुलिस के शोषण से संरक्षण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। मेरी मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत हो गई है कि किसी प्रकार का कोई विंडिक्टिवनेस, कोई पुलिस अधिकारी लोअर लेवल पे या किधर भी गलत प्रकार का व्यवहार ना हो कामगारों के साथ। हड़ताल खत्म होने से सबसे बड़ी राहत बिजली घरों को मिली है। ताप बिजली घरों में कोयला खत्म होने की स्थिति में बिजली संकट पैदा होने की आशंका बढ़ गई थी। 2 दिनों की हड़ताल से 300 करोड़ रुपए के कोयला उत्पादन का नुकसान का अनुमान है। हड़ताल से 75% से ज्यादा उत्पादन ठप रहा। कोल इंडिया बुधवार को सिर्फ 2 लाख टन कोयले का उत्पादन कर सकी, जबकि मंगलवार को उत्पादन 2.2 लाख टन रहा। सिंह रेनी कोयलरीज की खानों में भी उत्पादन पर असर पड़ा, जहां एक दिन में करीब 1 लाख टन कोयले का उत्पादन होता है। कोल इंडिया के कर्मचारियों समेत देश भर में 5 लाख कोयला श्रमिक मंगलवार से कोयला खानों में कामकाज से दूरी बनाए हुए थे। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कोल श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि कोयला मंत्री पीयूष गोयल से मिले आश्वासन के बाद संतुष्ट दिख रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि सरकार श्रमिकों के हितों का ख्याल रखते हुए ही कोई कदम उठाएगी। हड़ताल खत्म होने के बाद तमाम मुद्दों पर राज्यसभा टीवी संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने इंटक के महासचिव एसक्यू जमा से खास बातचीत की। जो निजीकरण जिसका विरोध आप कर रहे थे, जिसकी आशंका थी, अब उसको लेकर आप संतोषजनक बातचीत हो गई सरकार से? नहीं, सरकार से अभी एक्सचेंज भी हुआ है, क्योंकि ये पहली मीटिंग थी कोयला मंत्री जी की नई सरकार से। प्राइवेट ऑपरेटर्स अगर कोयला बेचने की अनुमति मिलेगी प्राइवेट कंपनीज को, तो ये ग्रेजुअल डाइल्यूशन ऑफ कोल इंडिया होगा, कमज़ोर होगा। लेकिन उस पर मंत्री जी ने आश्वस्त किया और विस्तार से उस विषय पर चर्चा करने के लिए एक ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ कोल मिनिस्ट्री के चेयरमैनशिप में, जिसमें ट्रेड यूनियन के भी 5ों के प्रतिनिधि रहेंगे, कोल इंडिया के, सिंगरैंडी कॉलेज के रहेंगे, और ये हम लोग जल्द से जल्द इस पर स्टडी करके अपनी रिपोर्ट हम लोग सरकार को देंगे। अध्यादेश के जो प्रावधान है, खासतौर पर वो प्रावधान जहाँ पर आप लोगों को एक चिंता थी कि कहीं निजीकरण की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, उसको लेकर अब काफ़ी कन्विंस है तमाम जो? हाँ, कन्विंस भी है, और हम लोग को एक जानकारी भी थी थोड़ी, और अभी मंत्री जी ने और स्पष्ट किया कि अभी जितने भी कोल ब्लॉक्स जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ऑक्शन के थ्रू दिए जाएंगे, उसमें ये निर्धारित किया गया है कि वो सिर्फ एंड यूज़ के लिए दिए जाएंगे। अगर उसके बाद क्या करना होगा तो वो कमेटी में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो तमाम ट्रेड यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं, वो उनके साथ सरकार की बातचीत सफल रही है, और जो ये स्ट्राइक थी, ये जो हड़ताल थी कोयला मजदूरों की, इसको वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। कैमरामैन मनोज के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
गुजरात के गांधीनगर में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। वो मेक इन इंडिया में उन्हें भागीदार बनने की अपील कर सकते हैं। इससे पहले बुधवार को शुरू हुए सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रवासी युवाओं से देश के विकास में योगदान देने की अपील की। युवा प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन के साथ ही 13वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो गई। इस मौके पर प्रवासी भारतीय मामलों की मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सुषमा स्वराज ने प्रवासी भारतीयों से मेक इन इंडिया, जनधन योजना, स्वच्छ गंगा और स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों में निवेश के जरिए भारत के विकास में योगदान की अपील की। माई यंग ग्लोबल इंडियंस, कम कनेक्ट, celebrate, contribute and become a part of the momentous transformation taking place in the country to build Ek Bharat, Shreshth Bharat. 9 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 58 देशों के प्रवासी भारतीय हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद प्रीति पटेल ने ब्रिटेन में भारतीयों के योगदान की तारीफ की। Members from the Indian diaspora community have contributed to the highest level across the UK and are incredibly prominent now in Britain and in British society. मई 2012 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में करीब 1,38,000 प्रवासी भारतीय और 1,18,72,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। भारत सरकार इन लोगों को कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नागरिकता से जुड़े एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके तहत पीआईओ कार्ड धारी लोगों को जीवन भर के लिए भारतीय वीजा मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने नीम लेपित यूरिया के 30% के उत्पादन सीमा की पाबंदी हटा ली है। सरकार के इस कदम से देश में कोटेड यूरिया का उत्पादन और उपलब्धता बढ़ेगी। रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने साफ किया कि यूरिया की कीमत नहीं बढ़ेगी और न ही सब्सिडी में कोई बदलाव किया जाएगा। सरकार ने कृषि क्षेत्र में यूरिया का इस्तेमाल कम करने के लिए नीम लोपित यूरिया के उत्पादन पर लगी पाबंदी हटा ली है। मुझे लगता है ये बैलेंस फर्टिलाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इससे जो यूरिया का अतिरिक्त जो इस्तेमाल कर रहे किसान, ज्यादा इस्तेमाल जो कर रहे हैं, वो अपने आप कम होने का संभावना हो जाएगा और इसके कारण जमीन का जो वो स्वास्थ्य है, जमीन का जो ताकत है, वो भी बचा करके रहेगा। रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा कि नीम लोपित यूरिया के उपयोग से फसलों की पैदावार बढ़ेगी, महंगे उर्वरक के आयात में कमी आएगी और खेती की लागत घटेगी। साथ ही एनपीके के संतुलित इस्तेमाल से भूमि का प्रदूषण भी घटेगा। बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन के लिए जब ये सॉइल हेल्थ टेस्ट लैबोरेटरीज बनेंगे और सॉइल हेल्थ कार्ड्स बनेंगे, वो प्रिस्क्रिप्शन भी देंगे, उसके हिसाब से कितना नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस और कितना पोटैश इसका इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी वो जानकारी किसानों को मिलेगा। सरकार ने मैंगलोर, मद्रास फर्टिलाइजर्स और SPIC तूतीकोरिन संयंत्रों को 100 दिनों तक नाफ्ता पर सब्सिडी देने और इन संयंत्रों पर फिर से उत्पादन शुरू करने का फैसला लिया है। देश में अभी 60 लाख मीट्रिक टन नीम लोपित यूरिया इस्तेमाल होता है। इससे विदेश से आयात किए जाने वाले यूरिया में भारी कमी आ सकती है। अभी करीब 71 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आयात किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मोटर वाहन कानून में संशोधन के लिए एक अध्यादेश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर ई रिक्शा के चलने का रास्ता साफ हो गया है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और ई रिक्शा चालकों के सामने आ रही दिक्कतों की उन्हें जानकारी दी थी। गडकरी ने राष्ट्रपति को बताया था कि ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस सुनिश्चित करने के लिए कानून में सिर्फ मामूली संशोधन की जरूरत है। संसद में विधेयक पारित नहीं होने पर मंत्रिमंडल ने 24 दिसंबर को अध्यादेश लाने का प्रस्ताव मंजूर किया था। सुरक्षा चिंताओं को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई रिक्शा चलाने पर जुलाई में प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को विकास के रास्ते पर मिलकर आगे बढ़ना होगा। पश्चिम बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में उन्होंने राजनीतिक मतभेद के बावजूद राज्यों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उद्योगपतियों से राज्य में निवेश करने की अपील की।
कोलकाता में ग्लोबल बिजनेस समिट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बढ़ते राजनीतिक मतभेदों को दूर करने की कोशिश की। वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विकास का माहौल बनाकर इसे फिर से औद्योगिक राज्य बनाना होगा। इसके लिए राज्य को कोयला खदानों की नीलामी और GST जैसे आर्थिक सुधारों से खासा लाभ होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक राज्य अगर विकास करेंगे तो देश भी तेजी से आगे बढ़ेगा। आई एम हियर टू अश्योर यू द सेंट्रल गवर्नमेंट विल स्ट्रांगली स्टैंड बिहाइंड द स्टेट गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू सपोर्ट ईच वन ऑफ द रुपीज एंड डॉलर्स दैट यू इन्वेस्ट इन द स्टेट। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश के विकास में राजनीतिक दूरियां आड़े नहीं आएंगी। उन्होंने उद्योग लगाने में आ रही दिक्कतों का तुरंत समाधान होने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के लिए सरकार के पास पर्याप्त भूमि है। The land is available. No problem for land. We are not going to acquisite the land forcefully, but we have the land bank, land use policy, land map. Whatever was pending with us, we have already cleared. So there is no problem from any industry. पश्चिम बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में 1000 से ज्यादा उद्योगपति शिरकत कर रहे हैं, जिसमें 19 देशों से आए प्रतिनिधि भी शामिल हैं। ये सम्मेलन कल तक चलेगा और इसका मकसद राज्य में निवेश आकर्षित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। बुधवार को ओडिशा के भुवनेश्वर में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पार्टी ने अभी तक फैसला नहीं किया है, लेकिन दूसरे दलों के साथ बातचीत चल रही है। वहीं PDP प्रवक्ता नईम अख्तर का कहना है कि उनकी पार्टी के सभी विकल्प खुले हैं, लेकिन अभी सिर्फ पार्टी के भीतर सरकार बनाने को लेकर बातचीत हो रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन एन वोरा ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी से मुलाकात की और राज्य में मौजूदा राजनीतिक गतिरोध की जानकारी दी। केयरटेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी विदेश से लौटने के बाद राज्यपाल से मुलाकात की। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, दोनों पार्टियों से बातचीत चल रही है, निर्णय होगा तुरंत आपको जान करेंगे। JDU ने केंद्र सरकार पर किसान मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने अध्यादेश के जरिए बड़े फैसले लेने के लिए NDA सरकार की तीखी आलोचना की है। JDU ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जरूरी मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं करा रही है और बहस की बजाय अध्यादेश का रास्ता अपना रही है। पार्टी अध्यक्ष शरद यादव ने भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव को किसान विरोधी बताया है। लैंड एक्विजिशन के बारे में मेरा ये कहना है कि कौन सी पार्टी है, कितनी पार्टियों की मीटिंग हुई, BJP इसमें शरीक थी, क्यों नहीं बोला उस समय कि इसमें कोई गड़बड़ है। JDU अध्यक्ष ने कहा कि सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के लिए विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि RJD के साथ विलय पर शरद यादव ने कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि दोनों दलों के बीच इस मसले पर बातचीत जारी है। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा TV, दिल्ली। राजनीतिक दलों को RTI के दायरे में लाने के लिए सुनवाई पर बुधवार को भी किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। कांग्रेस ने चिट्ठी भेजकर अपना पक्ष रखा। 2 घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के बाद CIC की पूर्ण पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल जून 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने 6 राष्ट्रीय दलों कांग्रेस, BJP, CPM, CPI, NCP, BSP को RTI के दायरे में माना था, लेकिन तब से इस फैसले पर राष्ट्रीय दलों का रवैया ढुलमुल है। 18 महीने बाद भी कांग्रेस, BJP, CPM, CPI, NCP और BSP ने फैसले को लागू नहीं किया है और न ही सुनवाई में अपना प्रतिनिधि भेजा। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि राष्ट्रीय दलों को मिली सस्ती जमीन वापस ली जाए, साथ ही आयकर से मिल रही छूट भी खत्म कर दी जाए। बात मौसम की। कुछ दिन की राहत के बाद दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में ठंड फिर बढ़ गई है। शीतलहर और कोहरे से आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। 100 से ज्यादा ट्रेन और दर्जन भर से ज्यादा उड़ानें देर से चल रही हैं। 2 दिन की राहत के बाद दिल्ली में आज सुबह फिर कोहरे की घनी चादर छाई रही। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। अधिकतर गाड़ियां पार्किंग लाइट्स के सहारे मंजिल पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस कोहरे का सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट्स पर पड़ा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मिली सूचना के मुताबिक अब तक 7 घरेलू और इतनी ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लेट हैं। मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, दिल्ली कलकत्ता एयर इंडिया की फ्लाइट से, लेकिन 1.5 घंटा लेट चल रहा है फॉग के कारण।
रेलवे स्टेशनों पर भी बुरा हाल है, गाड़ियां घंटों देरी से चल रही हैं। रेलवे इंक्वायरी की साइट के मुताबिक 100 से ज्यादा ट्रेनें 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। प्लेटफॉर्म पर सटीक सूचना न मिल पाने के कारण यात्रियों में खासा रोष है। हमारी ट्रेन सर 6:30 बजे थी, लेकिन अभी तक ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। ठंड से बेहाल हैं लोग और हम लोग मजबूर हैं प्लेटफॉर्म के बाहर सोने के लिए, और कोहरा इतना ज्यादा है कि 10 फीट दूर का आदमी भी समझ में नहीं आ रहा है। इस बीच उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को कई इलाकों में सूरज के दर्शन नहीं हुए, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आई। बड़ी ठंड के प्रकोप से कम 6 लोगों के मरने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में अगले 48 घंटे तक कोहरे का अनुमान है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद हल्की बारिश की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में लौटी रौनक। सभी बड़े सूचकांकों में 1% से ज्यादा की बढ़त। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हृदय और मधुमेह रोग की 108 दवाओं के मूल्य बढ़ने की खबर का संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार और औषधि मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण को नोटिस जारी करके 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। आयोग का कहना है कि इन दवाओं के दाम मनमाने ढंग से बढ़ाने से गरीबों के स्वास्थ्य के अधिकार पर असर पड़ता है। NPPA ने मई 2014 में जारी दिशा निर्देशों को सितंबर में वापस ले लिया था, जिससे हृदय रोग और मधुमेह के उपचार में काम आने वाली 108 दवाएं मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर हो गई थी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत रिटायर हो रहे कर्मचारी को सामान्य तरीके से रिटायर हो रहे कर्मचारी की तरह लाभ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया है। कोर्ट की 2 सदस्य पीठ ने कहा कि सामान्य तरीके से रिटायर हो रहे कर्मचारी को ज्यादा सुविधा देना किसी भी तरह से समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। कोर्ट ने कहा कि VRS लेने वाले कर्मचारी बढ़े पेंशन सुविधा के हकदार नहीं हैं। सामान्य तरीके से अवकाश लेने वाले कर्मचारी सुविधा के हकदार होते हैं। कोर्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी से VRS लेने वाले कर्मचारियों की कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने माना कि सामान्य तरीके से अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। भारतीय शेयर बाजारों में बुधवार को भी गिरावट आई, हालांकि गिरावट मंगलवार जितनी तेज नहीं थी। BSE का सेंसेक्स करीब 78 अंकों की कमी के साथ 26,909 के स्तर पर रहा, जबकि NSE का निफ्टी 25 अंक खोकर 8,102 पर बंद हुआ। जानकारों की राय में बाजार में आए बुरे दिनों का दौर खत्म होने के आसार हैं, खासकर तब जबकि कल अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। बुधवार को BSE सेंसेक्स की चाल पर नजर डालें तो पता चलता है कि बाजार में एक तरफ जहां बिकवाली का दबाव था, वहीं खरीदारी भी चल रही थी, जिसकी वजह से सेंसेक्स 350 अंकों के दायरे में उतरता चढ़ता रहा। लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली का दबाव ज्यादा रहने की वजह से गिरावट के साथ बंद हुआ। इन निवेशकों ने कल 4,363.74 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि इनकी खरीद सिर्फ 3,290.56 करोड़ रुपए की थी। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बाजार को बड़ी गिरावट से बचाए रखा और कुल मिलाकर 2,265.73 करोड़ रुपए की खरीद की, जबकि 1,664.33 करोड़ रुपए की बिकवाली की। BSE पर लिस्टेड 2,952 शेयरों में से 1,506 गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 1,339 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। Today it seems like stability is returning back, and what we saw in the morning, Asian markets are also they are stable. There is no deep cut in any of the market, and they are slightly in positive to stable. So I would say stability coming back to the global capital markets. इस बीच अमेरिकी बाजारों से भी अच्छी खबर आ रही है। NYSE कंपोजिट 1.07% की बढ़त के साथ 10,627 पर, S&P 500 1.16% की बढ़त के साथ 2026 और NASDAQ करीब 0.25% की बढ़त के साथ 4,650 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। NYMEX के बाद अब ब्रेंट क्रूड पर भी तेल के दाम $50 प्रति बैरल के आसपास आ गए हैं। Brent crude prices, which have fallen to $50 per barrel, if we analyze on a standalone basis for India, that's a huge positive for India.
because Brent crude coming down means that we'll have cheaper, we'll have economical petrol and diesel going ahead, then we'll have lesser inflation, and also going ahead we'll have a lesser deficit. मुद्रा बाजार में भी कल रुपए की स्थिति मजबूत हुई है। करीब तीन हफ्तों का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए कल रुपए में 40 पैसे की मजबूती आई और एक डॉलर की कीमत 63.17 रुपए पर आ गई। कच्चे तेल की कीमतों को छोड़ दें तो सभी संकेत अच्छे दिख रहे हैं। कल बीएससी का स्मॉल कैप इंडेक्स भी मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ था। अगर विदेशी निवेशकों का रुख सकारात्मक रहता है तो बाजार में स्थिरता की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फ्रांस में शर्ली एब्दो मैगजीन के ऑफिस में हमला करने वाले एक 18 साल के युवक मुराद ने पेरिस पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने हमलावरों की पहचान का दावा करते हुए उन्हें पकड़ने के लिए सबसे बड़ा अभियान चलाया है। पेरिस में हुए इस हमले के बाद दूसरे यूरोपीय देशों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बुधवार को हुए इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी। चार्ली एब्दो में छपा एक कार्टून इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने पत्रिका के संपादक, रिपोर्टर, कार्टूनिस्ट सहित 10 पत्रकारों और 2 पुलिस वालों को गोलियों से भून दिया। ये पहली बार है कि किसी हमले में इतने पत्रकार मारे गए हों। पेरिस पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनकी खोज के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान उत्तर पूर्वी शहर रियम्स में चल रहा है। पुलिस का अनुमान है कि ये एक हमलावर का घर है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने आज के दिन को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। Cette fusillade d'une violence extrême a tué 12 personnes et en a blessé plusieurs. Des dessinateurs de grand talent, des chroniqueurs courageux. हमले की घटना को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदनीय बताया है और ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दुनिया भर में इन हमलों की एक स्वर में निंदा हो रही है। Express my deepest sympathies. Never allow the values that we hold dear of democracy, of freedom of speech, to be damaged by these terrorists. Wir verurteilen das. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in Frankreich, insbesondere bei denen, die heute Opfer zu beklagen haben. फ्रांस में मुस्लिम समुदाय की संख्या 50 लाख से भी ज्यादा है। सरकार कोशिश कर रही है कि इन हत्याओं की प्रतिक्रिया में अप्रवासियों पर आफत न आए। हर जगह होने वाले विरोध प्रदर्शनों में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। फ्रांस के धार्मिक नेताओं ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि हमलावर इस्लाम के प्रतिनिधि नहीं हैं। On voulu exprimer tout d'abord l'émotion mais indicible, une très vive émotion majeure, historique par rapport à ce qui s'est passé. जानकारों का मानना है कि ये हत्याएं किसी कार्टून से नाराज होकर उत्तेजना में नहीं बल्कि पूरी तरह सोच समझकर की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बान की मून ने भी इसे सुनियोजित हत्या कहा है। It was a horrendous, unjustifiable and cold-blooded crime. इस बीच राजधानी पेरिस के अलावा दुनिया के कई बड़े शहरों में लोगों ने हमले के खिलाफ मौन जुलूस निकाला। लंदन, वॉशिंगटन डीसी, रोम सहित यूरोप के कई शहरों में लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर अपना विरोध जताया। लोगों के हाथों में पोस्टर थे जिन पर लिखा था, मैं हूँ शार्ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए 71,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। 55 अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की टीमें भी चुनाव प्रक्रिया पर नजर रख रही हैं। मतदान के काम में करीब 2,00,000 कर्मचारियों को लगाया गया है। करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं के लिए 12,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। स्थानीय समय के मुताबिक मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा। वोटिंग के तुरंत बाद ही मतगणना का काम भी शुरू हो जाएगा। शुक्रवार दोपहर तक नतीजे आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति पद के लिए कुल 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति और यूपीएफए उम्मीदवार महिंदा राजपक्षे को अपने पुराने सहयोगी और यूएनपी उम्मीदवार मैत्रीपाला सिरिसेना से कड़ी टक्कर मिल रही है। श्रीलंका में राष्ट्रपति का 6 साल का कार्यकाल दिसंबर 2016 में खत्म हो रहा था, लेकिन महिंदा राजपक्षे ने 2 साल पहले ही चुनाव कराने का फैसला किया। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड जकीर रहमान लखवी जेल में ही रहेगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए लखवी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। लखवी को 26/11 के मामले में 18 दिसंबर को आतंक निरोधी अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन लखवी को रिहाई से पहले पाकिस्तान सरकार के मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यानी एमपीओ के आदेश के तहत हिरासत में ले लिया गया था। बाद में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरकार का आदेश निलंबित कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
इसराइल के लगातार विरोध के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की सदस्यता देने की घोषणा कर दी। 1 अप्रैल से फिलिस्तीन आईसीसी का आधिकारिक सदस्य हो जाएगा। 2 जनवरी को फिलिस्तीन ने आईसीसी का सदस्य बनने के लिए संयुक्त राष्ट्र में दस्तावेज दाखिल किए थे। आईसीसी का एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो दुनिया भर में हो रहे संगीन अपराधों और अपराधियों से जुड़े मामलों पर विचार करता है। फिलिस्तीन को उम्मीद है कि इसराइल द्वारा उसके नेताओं की हत्याओं का मुकदमा आईसीसी में चलाया जा सकेगा। Secretary General has ascertained that the instruments received were in due and proper form before accepting them for deposit, and he has informed all states concerned accordingly through the circulation of depository notification. यमन की राजधानी सना में पुलिस अकादमी के बाहर हुए आत्मघाती हमले में कई लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। विस्फोटकों से लदी एक मिनी बस में धमाका उस समय हुआ जब सैकड़ों लोग पुलिस में भर्ती के लिए अकादमी के बाहर कतार में खड़े थे। एक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक 45 लोगों की मौत हुई है। जावा समुद्र में गिरे एयरएशिया विमान के खोजी दल को बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली। खोजी दल ने विमान के पिछले हिस्से को ढूंढ लिया है। इससे ब्लैक बॉक्स मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। ये विमान के पिछले हिस्से में ही होता है। ब्लैक बॉक्स के आंकड़ों से हादसे के सही कारणों का पता चल सकेगा। दिन बीतने के साथ सबसे ज्यादा दिक्कतें शवों की पहचान करने वाली फॉरेंसिक टीम को आ रही हैं। अब तक मिले 40 शवों में से सिर्फ 24 की पहचान की जा सकी है। माना जा रहा है कि कई शव विमान के मुख्य हिस्से में फंसे हो सकते हैं। मलबा और शव ढूंढने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान चल रहा है जिसमें 30 से ज्यादा जहाज शामिल हैं। खराब मौसम की वजह से भी खोजी अभियान में दिक्कतें आ रही हैं। गुजरात में आज से काय पोछे की गूंज सुनाई देगी। दूसरे की पतंग काटने के बाद लोग उत्साह से काय पोछे चिल्लाते हैं। वडोदरा में आज से 27वां पतंग महोत्सव शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की तस्वीरों वाली पतंग इस बार के महोत्सव का खास आकर्षण बनी हुई है। वडोदरा के साथ ही राजकोट, भावनगर और सूरत में भी पतंग महोत्सव की धूम रहेगी। सुबह से ही वडोदरा के रॉयल लक्ष्मी विलास पैलेस के विशाल मैदान में कई देशी विदेशी दिग्गज पेश लड़ाने का अपना हुनर दिखा रहे हैं। इस बार के पतंग महोत्सव में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का प्रभाव भी साफ नजर आ रहा है। कई अप्रवासी भारतीय पतंग में अपने हाथ आजमा रहे हैं। और बात क्रिकेट की, सिडनी में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत की पहली पारी शुरुआती झटकों के बाद संभलती नजर आ रही है। आज 1 विकेट पर 71 रन से आगे खेलते हुए भारत ने 97 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट गवा दिया। रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया स्पिनर नॉर्थन लॉयन ने बोल्ड कर दिया। रोहित ने 53 रनों की पारी खेली। हालांकि पहली बार टेस्ट में ओपनिंग कर रहे लोकेश राहुल और कप्तान विराट कोहली ने भारतीय पारी को संभाला। भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। राहुल अपने पहले शतक के करीब पहुंच चुके हैं। कप्तान विराट कोहली उनका बखूबी साथ भी दे रहे हैं। कोहली ने अर्धशतक पूरा कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कल अपनी पहली पारी 572 रन पर घोषित कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया 2 मैच जीतकर पहले ही 4 मैचों की सीरीज जीत चुका है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोयला श्रमिकों की हड़ताल खत्म, सरकार ने दिया आश्वासन। कोल इंडिया का नहीं होगा निजीकरण। कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए समिति का गठन। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेक इन इंडिया में भागीदार बनने की कर सकते हैं अपील। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। 12,000 पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजपक्षे और सिरिसेना के बीच मुकाबला। पेरिस हमले के एक आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। मैगजीन के ऑफिस में हुए हमले में संपादक समेत 12 की मौत। और सिडनी टेस्ट में संभली भारतीय पारी। 2 विकेट पर 200 रन का आंकड़ा पार। राहुल शतक के करीब।